गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश अजा मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूँ। मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की, जहाँ आप इंट्राडे में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। और साथ में मैं एक स्टॉक भी लेकर आता हूँ, प्रोबेबली कभी इंट्राडे के लिए, कभी लॉन्ग टर्म के लिए। तो आज शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स में हमने कल वापस एक बहुत ही साइडवेज मूव देखी और हमने देखा कि डाउ जोन्स बहुत छोटी सी एक रेंज में मार्केट, ये ट्रेड मार्केट ने ट्रेडिंग की और वापस अपने लेवल पे आके बंद हुआ 5 पॉइंट से ऊपर। तो बहुत ही साइडवेज मार्केट रहा कल। साथ में अगर हम लोग बात करते हैं तो डाउ जोन्स डाउ फ्यूचर की, तो वहाँ भी कोई खास बढ़त नहीं है। मॉर्निंग में वहाँ बहुत बड़ी बढ़त दिख रही थी, लेकिन अब अगर हम लोग जाके देखते हैं तो वहाँ केवल अब 30-40 पॉइंट की बढ़त बची हुई है। तो वो भी मतलब अगर हम लोग देखेंगे ऊपर से वहाँ भी कमी आई है, तो आप थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, देखते हैं कि 9 बजे तक वहाँ क्या हाल होता है। तो आपको ध्यान रखना आज बेसिकली डाउ फ्यूचर पे कि वहाँ क्या हलचल होती, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट ही हमारे यहाँ हमको निफ्टी में कुछ उठा पटक दिख सकता है। तो शुरुआत करते हैं SGX निफ्टी से। SGX निफ्टी में हम लोग ने देखा कि अभी जो है करीब करीब 60 पॉइंट की गिरावट हमको दिख रही है। और अगर हम लोग मॉर्निंग से बात करेंगे तो यहाँ एक पहले शुरुआत में कुछ बढ़त दिख रही थी, लेकिन अब ये कम हुई है। तो देखेंगे कि यहाँ से हम ऊपर से हम लोग यहाँ से काफ़ी करेक्शन आज मॉर्निंग से लेके अभी तक आई हुई है। हाई उसने 17,500 का लगाया और अब हम लोग 17,460 पे 17, तो 40-50 पॉइंट की यहाँ गिरावट ऊपर से दिख रही है। टोटल हम लोग बोलेंगे 60 पॉइंट हम लोग कल के अपेक्षा नीचे हैं। तो इसी के बेस पे हम लोग सोचेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की शुरुआत हो सकती है। तो निफ्टी की शुरुआत हम लोग सोच सकते हैं कि 17,400 के आसपास होगी और 17,400 ही हमारा आज का बाउंड्री लाइन होगी। वो तो 17,400 के नीचे अगर हम लोग वापस ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर आपको वहाँ से शॉर्ट करना है। पहला टारगेट होगा 17,350, जो कि हमारे बजट के डे का लो है। उसके नीचे अगर हम लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 17,317, मतलब 17,300 के आसपास। आज चूँकि आपको पता है आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, और वीकली एक्सपायरी में मार्केट कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन देता है, कुछ ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो आप अपनी वोलेटिलिटी को देख कर ट्रेड करें। अगर हम लोग 17,400 नहीं तोड़ पाते हैं, 17,400 को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तो फिर ऊपर की ओर हमारे जो टारगेट्स होंगे वो होंगे 17,443 और 17,487 के। 17,487 या 17,485, आप उसको मान लीजिए 75। तो इन लेवल्स पे आज यहाँ इसी रेंज में आज मार्केट आपको ट्रेड करते हुए दिख सकता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी 2-3 दिन से हमने देखा कि एक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है और काफ़ी आउट परफॉर्म करके जो नीचे से काफ़ी अच्छी यहाँ हम लोग को एक रैली आती हुई दिखी पिछले 3 दिनों में। तो पिछले 3 दिनों का हिसाब के बाद अब हम लोग ने एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि एक ये लॉन्ग टर्म ये चैनल बना हुआ था, ये फॉलिंग चैनल है, ओके। और फॉलिंग चैनल के बाहर भी हम लोग ने ट्रेड किए 2-3 दिन, ओके। और उसके बाद में अब हम वापस से उस चैनल के अंदर आ गए हैं। तो ये देखना होगा कि क्या आज हम लोग वापस चैनल के ऊपर ही चलते हैं या चैनल से नीचे आके ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो जैसे अगर हम लोग चैनल के नीचे आके ट्रेड करना शुरू करेंगे तो बेरिशनेस वापस बढ़ेगी और एक लंबा ट्रेन हमको यहाँ निगेटिव और बनते दिख सकता है। तो आज के लिए मेरा जो बाउंड्री है वो है 40,500 की। 40,500 के आसपास हम लोग हो सकता है खुले या उसके ऊपर खुलेंगे वो, और वहाँ से थोड़ा और नीचे आ सकते हैं, लेकिन जब तक कि 40,500 ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, ओके। और फिर 40,500 के आसपास हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। वहाँ अगर सपोर्ट लेता है तो वहाँ से बाय करेंगे और फिर हमारा टारगेट होगा 40,700, जो कि कल का क्लोजिंग के आसपास है, और वहाँ से एक और
ऊपर की ओर भी हम लोग मूव देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा बुलिशनेस आ गया मार्केट में लास्ट मूवमेंट में, तो 40,900 40,900 का भी लेवल आते हुए हमको दिख सकता है। नीचे की ओर अगर हम लोग देखते हैं 4,500 ब्रेक होता है तो 4,353 और 4,221 ये दो टारगेट्स के लिए हमको फिर यहाँ शॉर्ट करना है। तो सर एक और स्टॉक में जो आपके लिए लेकर आया हूँ वो है, इट इज़ नॉट फॉर इंट्राडे, इट इज़ फॉर पोजिशनल ट्रेड। और पोजिशनल ट्रेड में आपको करना ये है कि आपको 664 पे बाय करना। अब ये क्यों मैं लेकर आया हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ एक बेस बन गया है। यहाँ अगर हम लोग अवरली चार्ट या डेली चार्ट पे जाएंगे आपको दिखाई देगा कि काफ़ी अच्छी मूवमेंट के बाद में करीब करीब 1000 के आसपास ऊपर गया। बहुत कम समय में हम लोग ने देखा था इसमें एक बहुत बड़े बहुत अच्छी रैली आई थी, फिर रैली ब्रेक हो गई। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ ये, अक्टूबर में हम लोग ने इसका हाई बनते हुए देखा, फिर वहाँ से काफ़ी करेक्शन हो गया। अभी करेक्शन के बाद में एक ये बेस बनते हुए मुझे दिख रहा है और ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ अगर ये बेस बन गया और इसको यहाँ से ऊपर चलना है तो यहाँ से वापस हमको एक अच्छी रैली दिख सकती है और इसीलिए मैं इसको यहाँ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आपको 644 के ऊपर बाय करना है। ऊपर के टारगेट्स होंगे 720 और 861 के। आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है छोटा वाला 606 का। ओके, तो 606 का टारगेट आप लगा सकते हो यहाँ। और ये फिर अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम लोग फिर वहाँ एक बड़ी गिरावट भी आ सकती है। तो आपको स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना है और एक लंबे आपको एक बड़ी मूवमेंट यहाँ आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ आप ट्रेड करें लंबे लॉन्ग टर्म के लिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये केवल अंडरस्टैंडिंग पर्पस है, रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस बेस पे कोई भी आप ट्रेड लेते हैं तो अपने सलाहकार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें या अपने स्वयं के जिम्मेदारी पे ट्रेड लें। यहाँ मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। लेवल्स को कैसे निकाला जाता है, कैसे सपोर्टेशन को समझा जाता है वो यहाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और उसी बेस पे आपको यहाँ एक्ट करना है। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन आज का मंगलमय हो, प्रॉफिटेबल हो। धन्यवाद, नमस्कार।